अगर आपको नाक में से बार बार ब्लीडिंग होती है, आपको पायल्स की प्रॉब्लम है, आपको कब्जियत की तकलीफ रहती है, आपको अगर आँखों की तकलीफ रहती है, आँख में बार बार कंजक्टिवाइटिस ऐसा इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा आपके मुंह में बहुत छाले पड़ते हैं, आपको बार बार खून की कमी होती है, इसके अलावा आपको मानिए चमड़ी का कोई रोग है, आपको सिर दर्द की बहुत तकलीफ है, तो ये सब की एक ऐसी औषधि बताना चाहता हूँ कि जो कि आपको सिर्फ एक औषधि है उससे ही सब कुछ ठीक हो सकता है। आजकल गणपति जी का त्यौहार चल रहा है, सबके यहाँ गणपति है, लेकिन उनको चढ़ाया जाता है दुर्वाग्रास। मैं दुर्वाग्रास के बारे में ही बात कर रहा हूँ। दुर्वाग्रास जो है उसको साइनेडोन डेक्टिलॉन कहते हैं, और उसके अंदर कई केमिकल्स फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, वो फाइटोकेमिकल्स है उसमें फेरोलिक है, सेरेंजिक है, ऐसे कई उसके पेड़ में उसके झाड़ में ये चीज़ें रहती है। उसके अलावा उसके लीव के अंदर जो ट्राइसिन नाम का केमिकल होता है जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, उसके अंदर एवेंसोचुहाइड्रेट होता है, ऐसे कई केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर आप उसको हल्दी के साथ मिक्स करके उसकी ग्रास को अगर चमड़ी पर लगाते हैं तो चमड़ी के रोग चले जाते हैं, अगर उसको आप चूने के साथ मिक्स करके अगर सिर में लगाते हैं तो सिर का दर्द चला जाता है, उसका अगर पत्तियों का फ्रेश जूस अगर नाक में डालेंगे तो नाक की ब्लीडिंग कम हो जाएगी, उसका 50 ml का डिकॉक्शन अगर आप पीते हैं तो आपको पायल्स और इस तरह की पेट की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा